जी हाँ, आज पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये वीडियो मैं खुद के अपने सेटअप में शूट कर रहा हूँ। आप बोलोगे यार सेटअप टूर कब आएगा, कितना वेट और कराएगा, ये वीडियो, इसके बाद में एक और वीडियो, देन फाइनल सेटअप टूर। देखो किसी भी यूट्यूबर का जो सेटअप होता है वो चार दीवारों के बीच में जो खाली जगह होती है उससे कंप्लीट नहीं होता है। एक यूट्यूबर का जो सेटअप है वो कंप्लीट होता है उसके इक्विपमेंट से, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करता है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। कई सारी चीज़ें होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी जो कि मैं पुरानी यूज़ करूँगा, कई सारी चीज़ें ऐसी जो कि मैंने नहीं मंगवाई है, उनमें से तीन चीज़ों की अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में हम करेंगे। नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ओ माई गॉड। तो ये थे तीन चीज़ें, इन्हीं की अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम इसकी, इसमें जो भी है इसी की हेल्प से इसी वीडियो क्वालिटी में आपको अपग्रेड करके बताऊंगा, और क्वालिटी अपग्रेड करके बाकी जो दो प्रोडक्ट जो कि आपने देखे हैं उनकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हम इसकी, किसमें है क्या। तो गाइस सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं हम इस लाइट की, इसमें है गोडोस की SL60W लाइट। काफ़ी कमाल की लाइट है, मुझे नहीं पता कैसे क्या यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर देखेंगे फिर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे अनबॉक्सिंग, और ये अनबॉक्सिंग आई थिंक ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग है, इससे पहले आई थिंक अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की है। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे क्या निकलता है सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पर निकलता है यूज़र मैनुअल, जो कि आई डोंट थिंक कोई पढ़ता होगा, हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम यूट्यूब के सारे ही सब कुछ करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर निकलती है केबल, अच्छी क्वालिटी की है, केबल को भी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर है इस लाइट को, थोड़ा पहले हम साइड में रखते हैं फाइनल चीज़ को। लास्ट चीज़ इसमें जो निकलती है, बहुत कम चीज़ें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है इसमें केब, लाइट की केब। ओके, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम निकालते हैं इसको, जो हमारी मेन लाइट है उसको। ये है हमारी गोडोक्स की SL60 लाइट, LED लाइट। सामने की जो केब इसको हटाते हैं, ये है फाइनल लाइट, आप देख सकते हैं ये पीछे से कुछ ऐसा दिखेगी, ये सामने से LED लाइट है। इसके सामने एक सॉफ्ट बॉक्स लगता है, सॉफ्ट बॉक्स भी हमने अलग से मंगवाया है, इसके साथ में नहीं मंगवाया है। स्टैंड भी मेरे पास पहले से था, तो वही हम यूज़ करेंगे, मतलब सारा अलग अलग पार्ट्स में हमारे पास में है, कि कोई पर्टिकुलर मैंने सारी चीज़ एक साथ नहीं मंगवाई है इसकी। तो फाइनली इस लाइट की हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, LED लाइट है। साथ ही साथ हमारे पास में है गोडोक्स का ही सॉफ्ट बॉक्स भी है, और जो अम्ब्रेला लाइटिंग आपने देखी होगी मेरे पिछले सेटअप टूर में, उसमें जो लाइटिंग हम यूज़ करते थे उसका जो स्टैंड है उसी का स्टैंड हम इस लाइटिंग में करेंगे, ये स्टैंड है। तो इसको पूरे को इंस्टॉल करने के बाद में हम देखते हैं कि लाइटिंग की जो क्वालिटी है अभी कैसी दिख रही है और बाद में कैसी दिखती है, इसको पूरे को इंस्टॉल करने के बाद में। तो जितने भी लाइट्स हैं इन सब लाइट्स को हम बंद करते हैं, और हमारी मेन जो की लाइट है सॉफ्ट बॉक्स, इसको हम ऑन करते हैं। सो करते हैं और देखते हैं वीडियो क्वालिटी में कितना फ़र्क आता है। 3, 2, 1। सो अभी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आई थिंक आ रहा है पहले से। पहले थोड़ी हार्श टाइप आ रही थी, अभी सॉफ्ट लाइट आ रही है। अभी काफ़ी कुछ हमें लाइटिंग के बारे में सीखना है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मुझे सच कहूँ लाइटिंग के बारे में। पहले मैं खुद नॉलेज गेन करूँगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा अपने लाइटिंग सेटअप के बारे में, और यही बताऊँगा कि आपको अपने लाइटिंग का जो सेटअप है वो कैसे सेट करना चाहिए। लेकिन पहले मैं सीखूँगा, आप बताइए कि अभी की जो क्वालिटी वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है सॉफ्ट वर्क यूज़ करने के बाद में। सो आप देख सकते हैं जूम करने के बाद में किस टाइप से लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे आऊँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा डार्क हो जाएगा और बहुत सिनेमेटिक लुक देगा। इसके लिए यहाँ पर टेबल, इसलिए मैं आगे नहीं आ पा रहा हूँ अभी फिलहाल, लेकिन काफ़ी सही लुक देगा, आपके आने वाले वीडियोस में आप देख ही सकते हैं। सो पहले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग यहाँ पर समाप्त होती है। अब बारी आती है दूसरे प्रोडक्ट की, और इसी लाइटिंग में हम करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, और वो क्या है आपको पता चल जाएगा, उसका जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा है। तब बारी आती है इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने की, काफ़ी बड़ा है, इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे इसके पार्ट्स बाहर आएंगे। लेकिन सबसे पहले इसे तोड़ना पड़ेगा, तो कैंची मंगवाई जाए। ओह, सीज़र आ चुकी है, इसे काटते हैं और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। मुझे तो पता है, आप सबको पता चली जाएगा। आज ही के दिन मैंने अपनी पहली अनबॉक्सिंग की है लाइव की, और आज ही के दिन मैं अपनी दूसरी अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ। इनको हमने खोला, ये निकलता है, इसको आउट करेंगे, इसके बाद में फिर से यूज़र मैनुअल में भी काम में आ सकता है। इसके बाद में अब जो मैं निकालने वाला हूँ, इसमें पहली चीज़ जो रखी हुई है उसी से आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। इसलिए हमारी गेमिंग चेयर, आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा सब कुछ, तो इसको हम रखते हैं साइड में और निकालते हैं इसमें क्या क्या निकलती हैं चीज़ें। फिर से ये निकलता है तकिया, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तकिया, मतलब इसको हम रात में आराम से इसमें से निकाल करके सोने में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है। ये हो गया, इसके बाद में हैंडल्स हाथ वगैरह रखने के लिए, एक और हैंडल, उसके बाद हेड पिल्लो सर के यहाँ पर रखने के लिए, वो बड़ा था ये छोटा वाला तकिया। उसके बाद में ये नीचे के, इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो वो है व्हील स्टैंड। और ये है, ये हमारा सिंहासन, काफ़ी ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब तक जितनी चीज़ें मैंने उठाई है इसमें सबसे ज़्यादा भारी यही है। और लास्ट दो चीज़ें और बची हुई है, ये पता नहीं क्या है, जो भी हो देखेंगे, आई थिंक पंप है ये। उसके बाद में ये बॉक्स है, आई डोंट नो इसमें भी क्या है, इसमें शायद स्क्रू वगैरह होंगे। उसके बाद में इस बॉक्स में अभी भी कुछ है, ग्लव्स ऑपरेशन करने के लिए टेबल का, सॉरी चेयर का। तो ये ग्लव्स हमने पहन लिए हैं,
इस चेयर का ऑपरेशन करेंगे अब हम। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हें हमें असेंबल करना है। और सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पर असेंबल होगी, सब कुछ हमें यूट्यूब पर देख कर ही असेंबल करना है। सो इस चेयर को फाइनली करते हैं हम असेंबल। तो गाइस फाइनली हमने हमारी गेमिंग चेयर जो है वो असेंबल कर ली पूरी तरह से। तो ये पूरी तरह से हमने रेडी कर लिए और इसका जो फाइनल रिव्यू है, यानी कि अभी तो रिव्यू यही मैं कहूँगा कि ये चेयर मुझे काफ़ी मस्त लगी है, मतलब वर्थ इट लगी है। जितने भी बहुत महंगी है लेकिन वर्थ इट है बिल्कुल। लेकिन इसी चेयर का रिव्यू हम एक या दो महीने बाद फिर से अपलोड करेंगे और देखेंगे कि आफ्टर यूजिंग वन मंथ इसका रिव्यू क्या होता है। लेकिन अभी जब मैंने इसे असेंबल किया और वेट करके देखा तो बहुत कमाल की लगी, इट वॉज जस्ट ऑसम, बहुत कम्फर्टेबल है और हर चीज़ में काफ़ी सारे फीचर्स इसमें नए नए हमें मिले हैं। तो एक वीडियो ये भी आएगा कि मेरे पास पहले जो चेयर थी, एक और ऑफिस चेयर आती है और एक ये गेमिंग चेयर, इन तीनों में से कौन सी चेयर सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट, और भी कई सारी चीज़ों को हम बात करेंगे लेकिन आफ्टर यूजिंग, क्योंकि वो दोनों जो चेयर मैं यूज़ कर चुका हूँ और ये जो चेयर है ये भी हम यूज़ करेंगे, तो उसके बाद में वो वीडियो आएगा। तो पहले लाइटिंग, उसके बाद में गेमिंग चेयर और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो है इस बॉक्स में। देखते हैं इसमें क्या है। आज की आज ही तीन अनबॉक्सिंग लाइफ की। इसमें भी है, पहले थर्माकोल निकलता है, इसको हम करेंगे साइड में। देखना चाहते हो क्या है इसमें, अभी बताता हूँ। दिस इज LG मॉनिटर, ये हमारा मॉनिटर, और देखते हैं कि उस बॉक्स में क्या है। इसके अलावा इस बॉक्स में हम मिलते हैं ये स्टैंड, ये भी स्टैंड, देन हमें HDMI केबल मिलती है, एक पावर केबल मिलती है और साथ ही साथ कुछ और केबल्स भी यहाँ पर मिली है, पता नहीं केबल किस काम की, आई डोंट नो। ये है एडेप्टर। इस डिस्प्ले की जो भी डिटेल्स होगी, इस डिस्प्ले की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जितने प्रोडक्ट मैंने परचेस किए हैं। बाकी इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद में फाइनल सेटअप टूर आएगा, तो उसको मुझे बिल्कुल भी मत करना। चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन तो पहले ही प्रेस कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं इस डिस्प्ले की। तो ये डिस्प्ले है LG की, 2K डिस्प्ले है, IPS मॉनिटर है और 32 इंच है। अब आप बोलोगे कि यार 4K क्यों नहीं लिया, अपग्रेड कर रहे थे तो 4K भी ले लेते। देखो 32 इंच मुझे चाहिए थी और 32 इंच में 4K डिस्प्ले मिल पाना पॉसिबल है, पर आउट ऑफ बजट, बहुत बहुत महंगी थी। तो मैंने क्या 2K डिस्प्ले मैंने यूज़ की है, बहुत कमाल की है, चल जाएगा काम। इसमें 32 इंच भी मिल रही है, IPS डिस्प्ले भी मिल रही है और 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिलता है, तो लगभग सब तरह से ठीक ठाक है और काफ़ी सही है। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ठीक है। और ये इन तीनों में सबसे महंगा प्रोडक्ट है इन तीनों में से, ये मुझे करीब ऑफलाइन ली मैंने तो 26,000 की मुझे पड़ी है। उसके बाद में गेमिंग चेयर जो है वो मुझे 18,990 की मैंने फ्लिपकार्ट से ली है, वो मुझे पड़ी है ग्रीनसोल की। और कोडोक्स की हमने लाइटिंग ली है, जो LED लाइट है वो मुझे पड़ी है 10,000 की लगभग, ठीक से याद नहीं, 10,000 के लगभग पड़ी है। ये सॉफ्टवर्क्स मुझे 3,000 और ऐसा कुछ पड़ा है। और बाकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपको सेटअप टूर वाले वीडियो में अच्छे से मिल जाएगी, सारे जो प्रोडक्ट उन सबकी लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो का वेट जरूर करना, जल्दी आने वाला है। सेटअप जो है थोड़ा इनकम्प्लीट सा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कंप्लीट होकर बचा है, करते हैं और फाइनल सेटअप टूर भी जल्दी लाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।